सेशंस कर रहे थे हम, दो लेक्चर कर लिए हमने। तो भाई साहब, आप सोचोगे कि मैं आपको रिडक्शन यहाँ पे लेक्चर टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे अल्कीन चैप्टर पढ़ लो, चाहे आप अल्काइंस पढ़ लो, किसी में पढ़ लो, वहाँ पे आपको रिडक्शंस मिलेंगी। एसिड्स पढ़ लो, अल्कोहल पढ़ लो, कुछ भी रिडक्शंस आपको मिलेंगी मिलेंगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक रीजन कहाँ कौन कौन सी चीज़ों की रिडक्शन कर सकता है? तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग चैप्टर वाइज, यू नीड टू स्टडी रिडक्शन रिएक्शंस एज अ डिफरेंट चैप्टर। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन बताई थी आपको, क्लेमेंसन बताई थी कहाँ पे यूज़ होती है, वुल्फ क्वेश्चन बताई थी कहाँ पे यूज़ होती है। अब हम अगला करने जा रहे हैं, एक कैटलिस्ट होता है, अगली जो रिडक्शन कराता है वो होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। पहली बात तो क्वेश्चन आता है, लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है? प्लेडियम लिया, उसको सपोर्ट करा कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट विद लेड एसीटेट और कुन, ठीक है जी, पॉइजनिंग उसको, ये उसका उसको सपोर्ट कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, प्लेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर सपोर्ट करवाया उस, इस प्लेडियम को, अब प्लेडियम के सरफेस के ऊपर क्या होता है, एक्टिव साइट्स होती है जहाँ पे आकर हाइड्रोजन बाइंड होता है और दूसरा मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है जिसकी रिडक्शन करनी होती है। हाइड्रोजन आके चिपक गया और आपका मॉलिक्यूल आके चिपक गया। ठीक है जी, तो एक मिनट में आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे ही देता हूँ, कहीं ना कहीं पर मेरे पास वो इमेज बनी होगी, एक मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, ये पैलेडियम का सरफेस है, इसके ऊपर आकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाइंड हो और अल्कीन मॉलिक्यूल, अल्काइन मॉलिक्यूल, जो भी आपने रिडक्शन करनी वो आकर बाइंड होता है। देखो, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन अकेली होगी, ये पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड बने हुए थे। ठीक है, अब ये जाके इधर और इधर सेम फेस पे ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये जो साइट्स हैं जहाँ पे ये बॉल्स के बीच में साइट्स हैं, यहाँ पे आके एम्प्टी साइट्स पे आके वो क्या होती हैं, आपके रिएक्टेंट्स बाइंड होते हैं। अगर यहाँ पे मैं इनको इनको हाइड्रोजन की जगह कुछ और दे दूँ, मतलब कुछ पॉइजन ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आपका सी पॉइजन कौन सा, सल्फर और क्विनोलिन, ठीक है जी, या लेड एसीटेट, ये सपोर्ट बेरियम सल्फेट की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, पॉइजन लेड एसिटेट क्विनोलिन और सल्फर, ये क्या करेगा, पॉइजन क्या करेगा, हाँ जी, तो ये सल्फर और क्विनोलिन क्या करेंगे और लेड एसिटेट, इनएक्टिव साइट्स के ऊपर आके बैठ जाएंगे, किसकी जगह आके बैठ जाएंगे, खुद आके लग जाएंगे। पॉइजन को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन को रेड कलर से दिखाई दिए। तो अब पहले हाइड्रोजन भी यहाँ पे बाइंड कर सकती थी, पर हाइड्रोजन कम बाइंड करेगी, इसलिए रिएक्शन जो है पूरा कंप्लीशन तक नहीं जाता। तो अगर आप क्वेश्चन पूछे, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, तो आपने कभी भी अकेला हाइड्रोजन प्लेडियम नहीं लिख के आना, आपने लिख के आना है, दिस इज योर लिंडलार कैटलिस्ट, इट इज प्लेडियम सपोर्टेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट, सपोर्ट होती है बेरियम सल्फेट भी हो सकता है, और पॉइजन क्या है, लेड एसिटेट क्विनोलिन और सल्फर। ये पूरे इनमें से कोई भी, लेड एसिटेट ले लो, क्विनोलिन ले लो और या सल्फर ले लो, ठीक है, ये पॉइजन है। ये इतना इसके साथ ये भी ऐड करा होगा, फिर जाके आपका लिंडलार कैटलिस्ट बनेगा। ये अकेला लिंडलार कैटलिस्ट नहीं है, अगर आपको प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट दिख गया, ये देखो लेड एसिटेट क्विनोलिन, ठीक है, कुछ भी सल्फर भी लिखा हुआ, ठीक है, तो अब क्या होगा, पूरी तरह रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो अल्काइन अगर लोगे तो अल्काइन को वो किस लेवल तक रिड्यूस कर देगा, अल्कीन तक, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन प्लेजम निकल लेते हो तो सिर्फ सीधा इसका आंसर क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, इसका आंसर अल्केन बन जाता है। बट आप यू वॉन्ट टू स्टॉप द रिएक्शन एट अल्कीन स्टेज, तो आप लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिडक्शन करोगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अब ये है कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन, और कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, उसमें जो है अगर आप देखो मैकेनिज्म ध्यान से, ये डायग्राम देखो, तो हाइड्रोजन सेफ फेस सेम साइड से जा रहा है, इधर से हाइड्रोजन चिपक जाएंगे दोनों जाके, ठीक है जी, तो सिन एडिशन होती है हाइड्रोजन की, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सिस अल्कीन्स बनती हैं। अल्काइन की अगर रिडक्शन करोगे बाय कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन, अगर आप कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हो अल्काइन्स की, तो यू विल गेट सिस अल्कीन्स। ठीक है जी, अब क्योंकि ये हाइड्रोजन पोलर नहीं है, तो ये पोलर पार्ट का अटैक नहीं करती, सिर्फ नॉन पोलर पार्ट को अटैक करती है। तो देखो इसकी प्रेजेंस में सिर्फ इसको रिड्यूस करिए, ठीक है जी, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का एक फायदा होता है कि पोलर ग्रुप को अगर बचाना चाहते हो तो
आप ऐसा कर सकते हो इसके साथ, ठीक है जी, सिलेक्टिव रिडक्शन। ठीक, बोर्ड में आपका इसको भी रिड्यूस कर देंगे, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्लियर। इसलिए बोर्ड में और कंपटीशन में गलती हो जाती है बच्चों की। अब ये देखो, सिमिलरली अल्कोहल्स को कुछ नहीं हुआ, इसको उसने सिस अल्कीन में सिस बनानी है, अल्कीन ये बड़ा ग्रुप, यहाँ पे सिस हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दो एच लगे हुए, सिस ट्रांस यहाँ पे हो नहीं सकती, सॉरी। ठीक है, सेम अगर लिंडलर कैटलिस्ट को अगर आप यूज करोगे, एक होती रोजनमन रिडक्शन, दो ही चीज जगहों पे आपको लिंडलर कैटलिस्ट लिखेगा, एक तो अल्काइन से सिस अल्कीन बनाने पे और दूसरा दिखेगा रोजनमन रिडक्शन। वो क्या होता है, एसिड क्लोराइड से आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड। नहीं तो आगे क्या होगा, अगर हाइड्रोजन पोटेशियम निकल डालोगे तो एल्डिहाइड बना है, उसको आगे वो रिड्यूस कर देगा इनटू अल्कोहल्स, बट आप रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हो तो आपको पॉइजनिंग करनी पड़ेगी। देखो अब ये करा, प्लेडियम को बेरियम सल्फेट के ऊपर करा गया, एसिड पॉइजन बेरियम सल्फ लेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और कैन अफोर्ड एल्डिहाइड, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाए, ये लो ये क्या लिंडलर कैटलिस्ट डाला हुआ है, एल्डिहाइड, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट टॉलवीन, यहां पर नहीं लिखता मैं, कन्वर्ट टॉलवीन इनटू बेंजल्डिहाइड। दो तीन मेथड है, उनमें से एक मेथड ये भी है, ठीक है जी। क्या करोगे, टॉलिन की पहले मैं ऑक्सीडेशन कर देता हूँ बेंजोइक एसिड में, ठीक है जी। ये कैसे हो जाएगा, दिस कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एसिडिक, K2Cr2O7, ठीक है जी, नोट कर लो, KMnO4 एसिडिक, K2Cr2O7 एसिडिक, और या हीट करा होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे तो ये क्या करेगा, या HNO3 कंसनट्रेटेड, ये क्या करते हैं, अल्काइल को COH में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्काइल टू COH, ठीक है जी। अल्काइल को जो लगे फिल्टर का अल्कलेशन करो, बाद में आप ये कर लो, अल्काइल टू सी एच। बशर्त क्या है इन इसके साथ, बशर्त शर्तें क्या है, दी बेंजाइल हाइड्रोजन मस्ट बी देयर, कम से कम इस कार्बन पे, बेंजीनिंग के साथ वाले कार्बन में एक एच कम से कम होना चाहिए, एक एच कम से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहले क्वेश्चन डिस्कस करने पहले बताऊं कि क्या ये इसको कर देगा, ये जो टर्शी ब्यूटाइल बेंजीन को आप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो KMnO4 के साथ, तो आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे एक एच, एक भी एच नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से एच उखड़ता है, फिर मैकेनिज्म में आगे चलता है रिएक्शन, ठीक है जी। तो एक पॉइंट नोटवर्दी था, बता दिया आपको। तो आपने पहले क्या करना है, सो यू विल फर्स्ट डू, यू विल फर्स्ट कन्वर्ट टॉलवीन टू बेंजोइक एसिड, टॉलवीन टू बेंजोइक एसिड यूजिंग KMnO4 H+, ठीक है, हीट भी कर दो। अब इसको बेंजोइक एसिड को आपको पता है बेंजोइल क्लोराइड में अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे Cl ले आता हूँ इसकी जगह, ये कैसे कर सकते हो, SOCl2, PCl5, PCl3, ठीक है, ये सब रिएजेंट हम कर चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, प्लेडियम बेरियम सल्फेट रोजनमन रिडक्शन कर देता हूँ, तो यू विल गेट बेंजल्डिहाइड, इज इट ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, ये वहाँ पे भी होगा, तो आप इस रिएक्शन को कर सकते हो, ठीक है जी, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। आगे देखो, अगर आप देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर इसमें डालते हैं तो ये सीधा इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इसका आंसर होता है RCH2OH, इस पार्ट को CH2OH में कन्वर्ट कर देता, बट अगर आप बल्कि यूज करोगे लिथियम ट्राई टर्शी बुटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत बल्कि है, तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय लिथियम ट्राई टर्शी बुटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये उसका फॉर्मूला है, एंड रिड्यूस एल्डिहाइड बट स्लोली रिड्यूज एस्टर्स एंड इपोक्साइड, ये एल्डिहाइड सोकेटोन को भी रिड्यूस कर देता है बट एसिड क्लोराइड को यहीं पर रोक देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि आगे रिएक्शन, लेकिन एक ही एच है ना उसके पास, एक एच इसको रिड्यूस करवा पाएगा, एल्डिहाइड तक ले आएगा, आगे एच है नहीं तो आगे अल्कोहल तक। अगर आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म याद हो, एच होना चाहिए, अगर एक ही एच अवेलेबल तो यहीं तक, यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। नाइट्राइल से नाइट्रो आर नॉट रिड्यूस बाय दिस रिएजेंट, यानी कि साइनाइड को CH2NH2 में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि है, ठीक है। आप ये याद रखो कि ये चीज़ इसको सेम, इसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड बाय एसिटोनाइल विद लिथियम ट्राइटर्शी बुटॉक्सिल मीनिंग हाइड्रेट एट वेरी लो टेम्परेचर द नाइट्रो कंपाउंड आर नॉट रिड्यूस अंडर दिस कंडीशन। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको ये पॉइंट, ये यहाँ पे थ्योरी का क्या मतलब हुआ, मान लो आपके पास बेंजोइल क्लोराइड पैरा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड हुआ, ठीक है जी, आप चाहते हो कि इसका पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है और आपके नाइट्रो ग्रुप को कुछ नहीं हुआ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट तो इसको भी करता है डायजो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो आप टिन एच सी एल इसको भी रिड्यूस कर देगा, तो आप क्या चाहते हो इसको करना है सिर्फ, तो आप क्या कर सकते हो रोजन मंड रिडक्शन कर दो, या आप ये यूज कर दो लिथियम ट्राइट्रशी ब्यूटॉक्साइड। ये इसका मतलब इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस ये होती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर आपको मैं बोलूँ, ये लो बेंजोइल क्लोराइड पैरासाइनो बेंजोइल क्लोराइड को रिड्यूस करना है पैरासाइनो बेंजल्डिहाइड में, तो क्या सेम साइनाइड को कुछ नहीं होना, ये होता है इंपॉर्टेंट इस थ्योरी पॉइंट, तभी रिडक्शंस क्या होती हैं इकट्ठी बननी चाहिए, ठीक है। तो लिंडलर कैटलिस्ट भी आपका हो गया। अगला जो हमारे पास आ जाती हैं डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शंस, यानी कि मेटल को डिजॉल्व करा गया है, ठीक है, किसी भी एच पॉजिटिव के सोर्स में, ये सोडियम और लिक्विड सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, इसकी जगह अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी एच पॉजिटिव का सोर्स, ठीक है जी, वाटर वाटर में नहीं होता है, अल्कोहल हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, वाटर नहीं होता जनरली, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले ये कहाँ पे आपने देखा होगा अल्काइंस को रिडक्शन करने, बर्च रिडक्शन आपने देखी है, बर्च रिडक्शन देखी है, ठीक है, उसमें क्या होता था अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बना, अगर सिस अल्कीन बनानी है तो आपने अल्काइन से, तो आपने लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करना है, अगर ट्रांस अल्कीन बनानी है तो आपने क्या यूज़ करना है बर्च रिडक्शन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे पहले रेडिकल एनायन बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है विनाइलिक रेडिकल एनायन, तो रेडिकल एनायन पहले इससे पहले कि रिएक्शन करें वो इस हिसाब से अरेंज होता है ताकि वो उसकी कन्फिग्रेशन उलट जाती है, ट्रांस हो जाता है, ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए, इसलिए ट्रांस सिस भी हो सकता है रेडिकल एनायन, सिस रेडिकल एनायन क्या होगा, ये इधर रेडिकल पड़ा हुआ इधर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ, ठीक है, ये सिस, बट ट्रांस में क्या होगा अगर नेगेटिव चार्ज इधर पड़ा रेडिकल इधर पड़ा होगा तो इससे क्या हो जाएगा रिपल्शंस क्या हो जाएंगे मिनिमम हो जाएगी, ट्रांस रेडिकल नाइन ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए ये बनता है, ठीक है। एक तो आप अल्काइन से क्या बना लो, इससे क्या हो जाएगा सो यू विल अब जाके एच लग जाएगा आगे, एच कहाँ से मिला है अल्कोहल अमोनिया जो भी आपने डाला हो वहाँ से एच मिलता है, ठीक है जी, तो ट्रांस अल्कीन बन गई, ठीक है ये नोट कर लेना। अगर आपको बोले डाइफिनाइल एसिटाइलिन को, डायफिनाइल एसिटाइलीन को सिस्टिलबीन के अंदर कन्वर्ट करना है, सिस बनानी है, स्टिलबीन क्या होती है ये होती है ये स्टिलबीन, मतलब सिस ट्रांसोस से होगा ना कि दोनों फिनाइल ग्रुप सेम साइड पे है कि नहीं है, स्टिलबीन क्या होती है इथीन में एक एक एच उतार के दोनों कार्बन को एक एक फिनाइल रिंग लगा देते हैं स्टिलबीन, सिस बनानी है तो आप करोगे लिंडलर कैटलिस्ट, अगर ट्रांस बने तो बर्च रिडक्शन करोगे, ये नोट क्वेश्चन कर लेना आ जाता होता है, ठीक है जी। आगे देखो और कहाँ पे आप देखोगे बर्च रिडक्शन, यहाँ पे देखेगी आपको बेंजीन की रिडक्शंस के अंदर, ये बेंजीन रिंग को अगर रिड्यूस करना हो, ठीक है जी, 1,4 रिडक्शंस करते हैं, ठीक है। अब ये देखो अब देखो ये मेटल है अमोनिया डाला है और जो भी डाला हुआ प्रोटोन सोर्स, यहाँ पे क्या क्वेश्चन ये आ जाता है, अब बेंजीन है, बेंजीन को अगर रिड्यूस करना है इसके अंदर 1,4 रिडक्शन होती है, ठीक है जी, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन का कंपैटिबली 1,4 जाता है, ठीक है जी, ठीक है 1 और 4 या 1,2 जो भी होती है देखेंगे अभी, ठीक है, डब यानी कि बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है ऐसे, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा लेट्स सी, अब ये डाला अब ये आर ग्रुप लगा हुआ है, अब आपका आंसर ये आएगा कि ये आएगा, यानी कि आपने आपको याद नहीं करना, आपने देखना है कि मैंने जहाँ पे आर ग्रुप लगा था, इसको आर नहीं लिखते मैं डोनेटिंग ग्रुप लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप कोई भी ग्रुप, इस ग्रुप जहाँ पे वो ग्रुप लगा है वो वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है, यहाँ पे नहीं किया हुआ, जहाँ पे वो ग्रुप लगा था वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब आप यहाँ पे जहाँ पे ग्रुप लगा है वो वाला वहीं पे डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे
जहाँ पे वो ग्रुप लगा है वहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ है, ये आंसर कैसे निकालोगे आप? सिंपली आपने देखना है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, क्योंकि रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट बनता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो अगर तो आप देखो ये ग्रुप क्या है, अगर तो ग्रुप डोनेटिंग लगे हुए हैं, तो आपको पता है अगर नेगेटिव चार्ज आना है उसी जगह पे जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, तो वहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वहाँ पर वो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करने। आंसर ये लिख के आना है आप, सिंपल सी बात है। अगर ये आर ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप होते, ठीक है जी, तब आपने करना था जहाँ पे वो लगा है वहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है जी, ये नोट करना है अपने पास। क्लियर है जी? दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर ऑफ बर्च, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बर्च रिडक्शन। इंटरमीडिएट क्या है, ये भी बर्च रिडक्शन है, वो भी बर्च रिडक्शन, सेम, दोनों का नाम भी सेम है। अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये मिथॉक्सी, इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, मैं इसका आंसर अगर ये लिख के आ जाता हूँ ऐसे करके, सॉरी, अगर मैं इसका आंसर ये लिख के आ जाता हूँ कि OCH3 जहाँ पे लगा था वो वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, तो गलत है। यानी कि जहाँ पे OCH3 लगा हुआ था वो वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कुछ आंसर होगा। क्लियर है? या ऐसे होगा या ये दोनों आंसर क्या है, सेम। अब रट्टा नहीं मारना कि सर ने ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, देखो लिथियम निकोटामाइन ये बन गया। अब ये देखो, अब ये जो बना है इसके ऊपर उन्होंने एसिडिक कंडीशन डाली। अब एसिडिक कंडीशन में ये क्या होगा, ये क्या आ गई तुम्हारे को, विलियम, रिवर्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस आ गई है आगे। ये मैंने उसकी एप्लीकेशन भी आपको कराई है। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड पे क्या हेलोजन नहीं लगा होना चाहिए था, तो ये OH बन गया और ये यहाँ से CH3 निकल गया कुछ जो भी एक्स के साथ, ठीक है। अब ये इनोल है तो यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो जाएगी, ये हो गई, क्लियर है। अब क्योंकि अब एसिडिक कंडीशन है तो ये अभी कॉन्जुगेटेड नहीं है, अब ये आइसोमराइज कर देगा इनटू दिस, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ तक भी हो सकता है, क्लियर। अब ये देखो, अब अगर देखो मान लो ये है और ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, क्योंकि रेडिकल एनायन को खराब करेगा, इसलिए जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा वो वाला रिंग रिड्यूस हो रहा, दूसरे वाला रिंग रिड्यूस हो गया। देखो यहाँ पे OH लगा था, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है कंपेयर टू दिस, तो ये रिंग के डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, उसके नहीं हो, ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो आप, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। चलो इसी के आगे एक और रिएक्शन आ जाती है जहाँ पे आपका सोडियम डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन चलती है, वो कौन सी है, दैट इज बू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन। क्या है जी, बू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, एस्टर्स एल्डिहाइड कीटोन को कहाँ तक रिड्यूस किया जाता है, एल्कोहल तक। जनरली आपको एस्टर से शुरू होगी, आपके सिलेबस में एस्टर से ही होगी, ठीक है जी। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको पूछे इनमें से ब्लू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन कौन सी है, वहाँ पे एल्डिहाइड में सोडियम एल्कोहल डाली है वो भी ठीक है, कीटोन में सोडियम एल्कोहल डाली वो भी ठीक है, एस्टर में डाली वो भी ठीक है, क्योंकि वो ही थी ब्लू ब्लू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। एक्चुअली आपके जो बुक में दी होती है +2 लेवल पे, वो दिस इज दिस, एस्टर्स को जनरली रिड्यूस किया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देगा, रेडिकल एनायन फिर से बन गया, यहाँ पे रेडिकल बना, अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएगा। अब पहले प्रोटोनेशन होगी, फिर यहाँ पे आके एच के ऊपर प्रोटोन हुआ, तो अल्टीमेटली यहाँ से एच अल्टीमेटली यहाँ पे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है। जब वापस आया यहाँ से निकल गया, पहले एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड आके फर्दर किस में रिड्यूस हो सकता है, एल्कोहल में, ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज बू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन। अब देखो बू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन में क्या हुआ, ये RCO पार्ट से भी आपने एल्कोहल लिख देनी है, RCH2OH लिख देना है, और इधर से भी क्या लिख देना है, इथेनॉल लिख देनी है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम करता है, वैसे ही आपका सोडियम एल्कोहल भी करेगी, एस्टर को रिड्यूस कर देगी इनटू एल्कोहल, ठीक है जी। पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से आगे एल्कोहल बनती है, मैकेनिज्म आपके सामने ब्लू बू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। अब ये देखो कुछ नहीं है, इस पार्ट की सी यानी कि ब्यूटेनॉल लिख दो, C3H7 C
ये कर रहा है सोडियम इन प्लांट ऑफ टॉलमीन। ओके दो मॉलिक्यूल होंगे फिर इसके, क्या होंगे? दो मॉलिक्यूल ये होंगे सेम चीज के। इसको छोड़ दो आप, यू नीड नॉट टू डू दिस। ठीक है, अब अगर एक साइड से अल्कोहल बन जाए, ठीक है दो साइड से ना, मान लो आपने, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका मैं CH2OH लिख देता हूँ, CH2OH, और इसको मैं एस्टर ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता है यहाँ पे, ये रिंग क्लोज हो गई, देखो क्लियर है। ओके, रुक जाओ, डाइएस्टर लिया, ये छोड़ ही दो यार आप, लीव इट, ये रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन करें, छोड़ दो इसको, दिस यू लीव इट। ठीक है ओके, आगे देखते हैं फिर, बू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन भी हो गई, एस्टर से अल्कोहल बन जाएगी। हाँ जी, अगर आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर दिया हुआ या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड दिया हुआ, लिथियम निकल अमोनिया बाद में ये डाला हुआ, आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर वो जो अल्फा कार्बन, ये मान लो वही होगा काम की अल्फा के ऊपर अल्काइलेशन, यहाँ पे CH3 लगा देना अल्फा कार्बन, इसका अल्फा कार्बन ये क्या बनता है, तो यहाँ से ब्रोमो भी एस्टर भी है, चार्ज लिविंग ग्रुप कौन सा, ब्रोमो है, तो यहाँ पे आकर अल्टीमेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देना, ये लिख देना आंसर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आपको जरा कहता जी, इनोलेट नाइन जो यहाँ पे बनेगा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, रेडिकल नाइन जो बन जा रहा स्टेबलाइज होगा, इसलिए वो क्या करता है आगे सब्स्टिट्यूशन तक भी काम करा सकता है। ठीक है, ये इसमें बात लिखी हुई है सारी, ये सिर्फ ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस, वो भी जे एडवांस। ठीक है, वैसे बू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है, अगर आप सोडियम अल्कोहल के साथ रिडक्शन करा रहे हो, किसकी, एस्टर्स की, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की, इनटू अल्कोहल्स, ये उसकी डिटेल बताई गई है। अब कहता है अगर ऑक्साइम से, अगर आपको ऑक्साइम, आपको पता है कैसे बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन लगा के हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, उसके साथ सोडियम अल्कोहल डालोगे तो आपके पास अमीन्स बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, प्राइमरी अमीन बन जाएगी। ठीक है क्लियर। तो एक और आपने पढ़ी हुई है, मेंडियस रिडक्शन पढ़ी है, उसमें क्या करते थे, RCN से क्या बन जाता है, RCH2NH2, यानी कि ये जो चीज़ है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, CH2NH2 में। और अगर दिस रिडक्शन इज कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन, सोडियम एल्कोहल, आपको पूछेंगे प्रोटोन सोर्स कौन सा है, एल्कोहल में से प्रोटोन आ रहा है, ठीक है जी, मेंडियस रिडक्शन भी है एक और डिजॉल्विंग मैटर रिडक्शन की एग्जाम्पल। ठीक है जी, और आपको क्या चाहिए, इसके बाद और क्या बचता है, अगर आपने RNC दिया हुआ, आइसोसाइनाइड दिया हुआ, इसमें सोडियम एल्कोहल डाला, तो आपने याद रखना है सेकेंडरी मीन बना के आ जानी है। ठीक है जी, इसका मिथाइल ही बनेगा, अगर आइसोसाइनाइड की रिडक्शन करोगे तो मिथाइल मीन ही बनते हैं, मिथाइल मीन ग्रुप होगा ही, बाकी जो पीछे वो तो लगा ही रहेगा, ये याद रख लेना, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है चलो आगे बनते हैं, आप खुद सोचो यार, RCN इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, दो पाई बॉन्ड टूटे तो CH2NH2 लिख सकते हो ना, अगर मैं RNC की बात करूं, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, RN के ऊपर मिथाइल लगेगा ना, यहाँ से तो मिथाइल ही बन सकता है, और कुछ तो बन नहीं सकता, क्लियर है। चलो ओके, जैसे आपने अभी ब्लू वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन करी, एस्टर से एल्डिहाइड बनाना हो, अगर आपने सॉरी अल्कोहल बन जाती है एस्टर से, अगर आप चाहते हो कि एस्टर की रिएक्शन जो है वो कहाँ रुक जाए, एल्डिहाइड तक रुक जाए, तो आप डाइबल एच यूज़ कर सकते हो, -78 डिग्री, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर रूम टेम्परेचर पर लगाओगे रिएक्शन तो अल्कोहल बन जाएगी, -78 पर डाइबल एच। डाइबल एच अब क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं,
आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, दो लगे ऐसे सेम ग्रुप, ठीक है, एल्युमिनियम लिया, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं उसको दो, यही ग्रुप इसको दूसरी बार लगा है, इसके ऊपर एक हाइड्राइड लगा है, यही ग्रुप दोबारा से, इसको मैं आर का नाम दे रहा हूँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है जी, डाइबल एच बोलते हैं, बिकॉज स्टेरिकली बहुत ज़्यादा हिंडर्ड हो गया तो एक बार ये रिडक्शन करवा पाता है। एस्टर को कहाँ तक लेके जाता है, एल्डिहाइड तक, -78 पे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको भाई साहब ये बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है एस्टर से, तो यू कैन यूज़ डाइबल एच, नॉट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्कोहल तक ले जाएगा रिएक्शन को, ठीक है जी। और सेम काम आप किसके साथ करा सकते हो, लिथियम ट्राइटर्शिप डॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्योंकि वो भी बहुत बहुत बल्कि है, ठीक है। अगर आपको साइनाइड से क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, तब भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, डाइबल एच, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना हो तब भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, डाइबल एच। मैकेनिज्म देख लो, हाइड्राइड डोनर होता है, एच नेगेटिव देगा, क्लियर, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पे जा सकता था, इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, आ क्या बन गया, आई मीन बनाना है एक हिसाब से, आई मीन ने एच दे दिया, आई मीन इसकी, आई मीन की हाइड्रोलिसिस करो क्या बनता है, एल्डिहाइड बन, सी जहाँ पर सी डबल बॉन्ड एन होता है वहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ लिख देना होता है, यानी कि अगर यहाँ पे आर होता, आर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि साइनाइड दिया हुआ है, ठीक है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। साइनाइड से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो आप डाइबल एच यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एस्टर से भी, एंड ऑल्सो एस्टर टू एल्डिहाइड एट -78 अदरवाइज एल्कोहल्स, अगर -78 नहीं हुआ तो फिर एल्कोहल आंसर आ जाएगा एस्टर से भी। अगर आप एस्टर से डाइबल एच से एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो यू यू नीड कि टेम्परेचर शुड बी -78। ठीक है, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिया, एस्टर लिया, तो उससे आप अल्कोहल ही लिख के आओगे, ये एक नोट करना, नोटवर्दी पॉइंट, ठीक है। वैसे आप यही यूज़ करो कि एस्टर से डाइबल एच देखा -78 टू एल्डिहाइड, ठीक है, जनरली क्वेश्चन दिमाग यहीं पे आएगा, ये आपको क्वेश्चन बहुत रेयर आएगा, ठीक है। अब लिथियम ट्राइटर्शी बुटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड ट्राई लिया बोल, लिथियम ट्राई थॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, ट्राई थॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, अब यह करेगा अमाइड्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, अमाइड्स को एल्डिहाइड, कोई भी अमाइड हो, टर्शरी हो या प्राइमरी टर्शरी हो, ठीक है जी, उसको किसमें कन्वर्ट करना हो, एल्डिहाइड्स, लिथियम ट्राइटर्शी बुटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या करेगा, बहुत ये आगे भी बता चुका हूँ कि वो हमने करा रोजरमन की जगह COCl की जगह ना सकता है, एल्डिहाइड लगा सकते हैं, तो ये बहुत बल्कि है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला आ जाता है सुपर हाइड्राइड, सुपर हाइड्राइड में अगर आप बेसिक, ये है लिथियम ट्राईथाइल बोरो बोरो हाइड्राइड, ये भी एच नेगेटिव डोनर है, हाइड्राइड डोनर, अगर इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग इसके साथ कराते हो तो आपको पता है एच नेगेटिव डोनर है, तो रिंग एच नेगेटिव कहाँ पे बेसिक कंडीशन में अटैक कहाँ पर होता है, इपोक्साइड में, जहाँ पे रश कम होता है, तो यहाँ यहीं पर आकर रिंग खोलेगी, यहाँ पर मत अटैक करना, तो यहाँ पर रश ज़्यादा है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ कंपाउंड दिया हो तो आपने नीचे से अटैक कराना ऊपर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, तो ये जब नीचे से अटैक हुआ एच ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आकर लगेगा, यहाँ पर डी दिया गया ना, तो ये डी देगा, यहाँ पर डी देगा, ये ड्यूटेराइड ड्यूटेराइड कंपाउंड लिया ना, ड्यूटेरेटेड कंपाउंड लिया, तो डी नीचे से आएगा। अगर इसका आंसर ये बना हो, एक ऑप्शन ऐसी बनी हो, सॉरी वन ऑप्शन इज लाइक दिस, एच नीचे और डी यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज राइट आंसर, ठीक है जी, आगे देखो। हाँ जी, तो हम समराइज कर सकते हैं उस चीज़ को, देखो अगर आपने एसिड क्लोराइड से, एस्टर से या साइनाइड से किसी से भी क्या बनाना हुआ, आपने सिर्फ एल्डिहाइड तक जाना हुआ, तो आप या ट्राइटर्शी बुटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लो, ये वही है, या आप रोजरमन रिडक्शन कर लेते हैं प्लेटियम बेरियम सल्फेट डाल डुल के, ठीक है, एसिड क्लोराइड से। अगर आपने एस्टर से जाना डाइबल एच, -78 टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, और बहुत जेई में बहुत लीनियंटली बेवकूफ कभी कभी ये लिखते नहीं है, ठीक है जी। और अगर आपने साइनाइड से बना तब भी आपका यूज़ कर सकते हो, डाइबल एच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये साइनाइड कहाँ से बनते थे, मिथेन से, अगर आपने क्या करी, हैलोजिनेशन कर ली, क्लोरोमिथेन बना लिया, फिर आप KCN के साथ रिएक्शन लगा के मिथाइल साइनाइड बना लेते थे, ठीक है, आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना हो, आगे एसिड एल्डिहाइड में हो, कि इसको इसकी जगह आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, तो कैसे लगाओगे,
जितने कार्बन इसमें उतने ही कार्बन आपके एल्डिहाइड में आएंगे, इसमें दो कार्बन, इसमें दो कार्बन, इसमें एक था, एक कार्बन से एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि आप एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला एल्डिहाइड बना सकते हो इस रूट के थ्रू, ठीक है। तो आप देखो, दैट इज वाई मैंने बोला था अल्काइल हाइड क्या होते हैं, आलू होते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, ठीक है। मिथेन से एसिटाल्डिहाइड बनाना बनाना हुआ तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है। ओके आगे एक और इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारे पास, लेट्स सी, ये वुल्फ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, इसके बारे में हमको और बात करने की जरूरत नहीं है। ओपन एयर भी हो चुकी है, बिना गोल बिना क्लोन भी हो चुका है। जस्ट मिनट में पहले वहां पहुंच, नेक्स्ट थिंग आपको आ जाएगा क्वेश्चन, एक होती है स्टोडिंजर रिएक्शन, एजाइड से अमीन बनाना, जितने एजाइड में उतने ही कार्बन रहेंगे, कार्बन कुछ नहीं होगा, बट ट्राई फिनाइल फॉस्फिन डाल दो तो आपका क्या आ जाएगा, एजाइड से अमीन बन जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन आ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर अमीन्स, आपको लगा कि भाई साहब लिथियम नियम हाइड्रेट पढ़ के ये वहां पर लिखा हो और आप ये छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, दिस इज वन ऑफ द मैटर, श्रोडिंगर रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव रिडक्शन पे आ जाए, एक ही अगर आपको दो नाइट्रो ग्रुप लगे हो तो आपने एक ही रिड्यूस करना हो, सोडियम सल्फाइड डाल दो, क्या डाल दो, सोडियम सल्फाइड डाल दो, एक नाइट्रो की जगह एच टू लिख देना, ठीक है। एक मोल एक के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, दूसरा डालोगे फिर दूसरा रिड्यूस होगा, ये बात नोट कर लेना आप, तो ये क्वेश्चन आता होता है, बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद बोरोन, बोरेन एस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो देख लेते हैं, 2 मिनट जी। डाइबोरेन एस रिड्यूसिंग एजेंट, देखो एल्डिहाइड को इसमें रिड्यूस कर दिया एल्कोहल्स में, ठीक है जी। नाइट्राइल्स मीन बट नाइट्रो ग्रुप्स रिमेन अनइफेक्टेड, साइनाइड को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, CH2NH2 में, साइनाइड को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रो को NH2 में चेंज नहीं करेगा डाइबोरेन, ठीक है जी। एल्डिहाइड से एल्कोहल बना देता है, ठीक है। अब ये देखो, रिडक्शन बोरेन डू नॉट सिंपली पैरेलल दोस विद सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट, उसमें एच नेगेटिव होता है, एडिशन ऑफ हाइड्राइड एंड मोर पॉजिटिव एंड पोलराइज, वेरस बोरोन इज अ लुईस एसिड एंड अटैक्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स, ये कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है जी। देखो फॉर एग्जाम्पल सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस एसिड क्लोराइड टू प्राइमरी ग्रुप, बट द रिएक्शन बींग फैसिलिटेटेड बाई द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द हैलोजन, बोरेन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड अंडर यूजुअल माइल्ड कंडीशंस, ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो रिडक्शन ऑफ कार्बन बाय बोरेन टेक्स प्लेस बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन टू ऑक्सीजन फॉलोड बाय इरिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम द बोन, द इनर्टनेस ऑफ एसिड क्लोराइड कैन बी एस्क्राइब्ड, ठीक है जी, इसका मैं आपको एक टेबल बताऊंगा आगे, रीजन बता दिया आपको, अभी तो कुछ नहीं, क्वेश्चन कहाँ पे आएगा बताता हूँ। डिक्रीज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन एटम रिजल्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर ऑफ द हेलोजन एटम, ठीक है जी। फॉर सिमिलर एस्टर्स आर रिड्यूस ओनली बाय स्लोली बाय बोरेन, एस्टर्स और एसिड क्लोराइड को स्लोली रिड्यूस करता है, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इनको फास्ट रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये देखो एसिड्स को भी देखो, अब ये देखो आपका अगर फंक्शन एक कंपाउंड में एसिड ग्रुप हो तो एस्टर ग्रुप बोरेन डाला है तो ये एसिड के ऊपर अटैक करता है, इसको अटैक ही नहीं करेगा, ठीक है जी। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक विच अकर्स वेरी रेडली एंड कैन बी अचीव सिलेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग एस्टर्स, देखो इसका रिड्यूस करा इसको नहीं, अगर देखो आप उल्टा रिएक्शन लगाते हैं ना, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं यहाँ पे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसकी इसको रिड्यूस करता, इसको किसमें कन्वर्ट कर देता, इसको कर देता CH2OH में यहाँ से, ठीक है जी, इसको ब्रेक करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLaH ये करता, इसको रिड्यूस करता, इसको नहीं करता, इसको बाद में करता, पहले इसको करता, करता तो पर इसको पहले इसको बाद में, ऐसे एसिड क्लोराइड भी लगा होता तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले एसिड क्लोराइड करता फिर इसको करता, बट बोरेन क्या करेगा, पहले इसको करेगा फिर इसको करेगा, ठीक है। अगर बोरेन का एक ही मॉलिक्यूल डाला तो आपने ये देखना यही उड़ गया, ठीक है। मैं आपको भी टेबल बताऊंगा एक, ऐसे ही अमाइड्स को, अमाइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन, अभी ये क्या करेगा, देखो ये एस्टर है ये अमाइड है, ये अमाइड के ऊपर भी अटैक कर देता है, अमाइड को भी करता है, ठीक है, बाकी किसी चीज को नहीं,
ये बोरोयन से रिडक्शन किसकी स्पेसिफिक होनी है, एक तो आप एसिड को रिड्यूस करोगे और एमाइड को यूज रिड्यूस करोगे बोरेन से, सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए यूज होता है बोरेन, डाइबोरेन, क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है जी। पता क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना। अब देखो इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी साइक्लाइज किया जा सकता था, फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से उठा के वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्वेश्चन दिख जाएगा आपको कहीं पे, क्वेश्चन याद है मेरे को। अब ये देखो अब एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 देखो 1 2 3 4 5 6 ठीक है जी, ये ओ ई टी आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहां पे मैंने क्या लगा दिया, ओ एच लगा दिया, ठीक है जी। अब ये मान लो लेबल्ड है, ऑक्सीजन लेबल्ड है, ये इधर गया ये इधर गया यहां से बात। अब देखो रिंग क्लोजर हो गया, 7 मेंबर रिंग बन गई, फॉर एग्जांपल यहां पर 7 मेंबर रिंग ही बनेगी ना, ठीक है, क्लियर है, समझ लगी। अब मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इस ऑक्सीजन को लेबल करा हुआ था 18, ये लेबल्ड ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, इसको मैं सीधा बोलता हूँ। अब यहाँ से क्योंकि सी ओ ग्रुप रिड्यूस और लीव कर जाएगा तो ये ओ एच ऐसे आ जाएगा, ये ऑक्सीजन 18 नहीं है, ठीक है, ये जो एस्टर बना, ये इलेक्ट्रॉन जो बना, ये लेबल्ड नहीं है। बट अगर मैं ये बोरेन की ब्रांच में, अगर मैं ये रिएक्शन एल ए एच की ब्रांच में करता तो मेरे को पता है भाई साहब यहां से मेरे पास बनता, ये ऑक्सीजन अब लेबल्ड था, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 यहां पे मैं लिख देता CH2OH। अब जब ये अल्कोहल अब ये रिएक्ट करेगा तो यहां से जब मैं रिंग क्लोज करूंगा, अब ये जो CO होगा उसके ऊपर लेबल्ड ऑक्सीजन होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से ये ऐसे कर ये CO बच गया, ठीक है, यानी कि उसने पहले एस्टर को रिड्यूस कराया फिर उसने अटैक कराया, इसने बोरेन ने क्या करा था, पहले एसिड को रिड्यूस कराया था फिर उसका अटैक, यहाँ पे सीओ निकल गया था बाहर तो इसलिए ये चक्कर हुआ, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आगे देखते हैं फिर और क्या बचा है रिडक्शन के लिए, अब रिडक्शन तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली मैंने सारी आपको करा दी है, ठीक है, बोरेन भी करा दिया, जैसे मैंने पढ़ाया भाई रिएजेंट वाइज वैसे ही पढ़ना, ठीक है जी, कौन रिएजेंट क्या काम कर सकता है ये तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। एक मिनट जरा एक चीज दिखा देता हूँ, ओके ये देखो जितने भी मैंने रिड्यूसिंग एजेंट करे हैं वो मैंने तुमको इस टेबल में समराइज करे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सिलेक्टिवली की सिलेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, कीमो सिलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिड्यूस करे दूसरे को ना करता हूँ। अब देखो जो रेड कलर से दिखाया गया उनको वो रिड्यूस करता है, ठीक है, ग्रीन कलर से स्लोली रिएक्शन करता है, ये रिएजेंट इधर लिखे हुए साइड पे, जिनको रेड मतलब बहुत फास्टली रिड्यूस करेगा, ग्रीन मतलब स्लोली, और ब्लैक मतलब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड ये आईमीन्स को करता है, ठीक है जी, आई मीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, एल्डिहाइड के ऊपर एक्ट नहीं करता, करता है तो बहुत स्लोली करता है, कीटोन के ऊपर स्लोली एक्ट करता है, ठीक है, जनरली स्पेसिफिकली ये कहाँ पे यूज होगा, आई मीन्स के लिए, ठीक है जी, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड ये करा ना आपने रिडक्टिव एमिनेशन के अंदर,
ठीक है। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्रेट देखो, ये इसके ऊपर एक्ट नहीं, अगर इस पे काम कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर, तो इस पे तो करता ही होगा ना, इसको तो इसमें कन्वर्ट करेगा ही करेगा, पीछे वाला तो छोड़ ही दो। ठीक है, अब देखो इसको रिड्यूस एल्डिहाइड को अल्कोहल्स में, अब ये एस्टर्स को बहुत स्लोली करेगा करेगा, तो इनके ऊपर अमाइड और एसिड को बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, कौन, सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखो भाई साहब, बोरोहाइड्रेट, ठीक है, अब ये भी क्या करेगा, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एस्टर तक बोरोन लगा हुआ है, ठीक है, इसको नहीं करेगा, इसको आप छोड़ दो, ये और ये की बात है, ठीक है जी, दिस इक्वल टू दिस। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये सबको करेगा भाई साहब, देखो अमाइड तक कर दिया, एस्ट्रो कर दिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को स्लोली करेगा, इसलिए मैंने बोला था एलएएच पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, इसको करेगा, वो करेगा क्या बोलते हैं, एस्टर को पहले करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को बाद में, ठीक है। अब ये देखो बोरेन क्या कर रहा है, इन सब के ऊपर स्लोली एड कर रहा है, बट अमाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड पे फास्टली कर रहा है, ठीक है जी, अमाइड्स को अमीन में, एसिड को अल्कोहल में, ठीक है, बोरेन, ठीक है। तो अब याद रख सकते हो कि बी से बोरेन, तो बा मतलब इसकी प्रेफरेंस क्या है, एसिड्स और अमाइड्स, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिया कर लो, पहले एस्टर फिर अमाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, इस इधर से इधर जाते इसकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। हाँ जी, ये देखो आपने पढ़ा डाइबल एच क्या करता है, एस्ट्रो कहाँ पर लेके आता था, एल्को एल्डिहाइड पे, -78 पे, ठीक है जी। अगर आपको क्या करना है, इसको अमाइड को कहाँ पे, अमीन की बजाय यहाँ लेकर ना, टेम्परेचर कितना रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से 0 डिग्री पे ले आओगे, अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको एल्डिहाइड लेके आना है एसिड से इसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप पहले क्या बनाओ, वाया एसिड क्लोराइड, फिर बाद में आप क्या कर दोगे, रोजनमन रिडक्शन कर दो, करो ना आर आर कर दो उसके बाद, ठीक है। तो भाई साहब मेरी तरफ से रिडक्शन टॉपिक आपके लिए खत्म हो चुका है। हाँ सच, एक दो बातें आपको और बता देता हूँ, अलग अलग चैप्टर में रिडक्शन पढ़ने के बजाय कंबाइंड रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ो, ठीक है जी, आपको याद होगा कौन सा रिएजेंट क्या क्या कर सकता है, अदरवाइज आपको जब क्वेश्चन पे आ गया तो अब क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। देखो यही नोट्स आपको मिल जाएंगे, फिर बोलोगे सर आपने नोट्स, ये मैंने खुद प्रिपेयर करे बड़ी मेहनत से भाई, तुम्हारे लेवल तक क्वेश्चन तुम्हारा कोई ना छूटे, छूट नहीं सकता क्वेश्चन में से, आगे अलग बात तुमने छोड़ने की सोची हो तो, ना पढ़ना हो तो, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन को प्लेस ऑफ कैटलिस्ट के यूज करना, सिन एडिशन होती है हाइड्रोजन की। वैसे आप देखो अल्कीन से क्या बनाना है भाई साहब, आपने अल्केन बनाना है हाइड्रोजन प्लेस ऑफ निकल, अगर सिंपल निकल यूज करा है तो दैट इज कॉल्ड सेप्टेयर सेंडन रिडक्शन, ये आपकी प्लस वन में भी थी, सेप्टेयर सेंडन रिडक्शन। अगर आपने रेने निकल यूज करा उसको नहीं बोलते, उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, रेने निकल इज एक्टिवेटेड निकल, ठीक है, उसको निकल एल्युमिनियम अलॉय सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिस्पर्स करा होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, ये आपको पता है कि ये जो कैटलिटिक रिडक्शन होती है, अगर आप भाई साहब यहाँ पढ़ोगे ना, ये कॉम्पिटिशन के लिए कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन है, अदरवाइज कुछ भी हाइड्रोजन निकल डाला हुआ आपने, मतलब जो भी मर्जी चीज है, अगर अल्कोहल एसिड है तो CH2OH लिखा हो, वैसे अगर मैं बात बोलूँ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक नहीं करेगा, खुद नॉन पोलर रीजन है, नॉन पोलर पार्ट पे पहले जाता है, ये देखो अल्कीन को अफेक्ट कर देगा, इसको उसने ऐसा नहीं किया, ऐसे ऐसा ही बच गया, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ने इसको कुछ नहीं कहा, इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब ये लो एस्टर समाइड वगैरह पोलर पोलर होते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी एक्शन नहीं करता, बट अगर आप यहाँ पे आप अपनी मतलब अकॉर्डिंग टू वो देखोगे, तो ये इसको भी किस में कन्वर्ट करेगा, CH2OH लिखा होगा आपकी बुक्स में, ठीक है जी, इसको अमीन्स में कन्वर्ट कर देगा, बट एक्चुअली यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, ये मैं बात नहीं बोल रहा, फॉरन ऑथर बोल रहा है, एंड दे आर गुड इनफ, ठीक है। चलो सिलेक्टिव ये क्वेश्चन अगर आप सोचो, तो यहाँ पे आप क्या आप अपनी बुक में से देख लेना, जो जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बोले हैं वो सारे काम करते होंगे, ठीक है। अब ये देखो हाइड्रोजन सिंपली है, इसको कुछ नहीं करोगे आप, या सच बच गया, बट आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में इसको उड़ा देंगे, CH2OH लिख देंगे इसको, एस्टर की एस्टर पता ना आपको किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे तो ये तो होगा ही होगा, और इसको भी CH2OH लिख देंगे, ठीक है। बेटर आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि पोलर एजेंट पोलर के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है,
और आगे देखो, अगर ये क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूटल कीन हुई और अनसब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पे स्टेरिकिनेस कम हो प्रेफरेबली वहाँ पे जाके अटैक करता है, अनसब्स्टिट्यूटेड पे अटैक करता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ट्राई सब एक आर एक आर एक आर, यहाँ पे क्या है दो एच लगे हुए, ये लेस सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे जाकर उसने इसको कीन को कुछ नहीं कहा। ये सिलेक्टिविटी पे क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, ठीक है ओके। बाकी बातें हो चुकी हुई हैं, ठीक है। देखो नाइट्रो को रिड्यूस कर दिया NH2 में, ठीक है। कार्बन अनसैचुरेटेड एसिड ऐसे कुछ नहीं हुआ, बस वो उड़ गया डबल बॉन्ड, ठीक। आई मीन को रिड्यूस, साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, करा हुआ है सारा कुछ। एल्डिहाइड को ग्लूकोन में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अगर आप यही करते, क्या बोलते हैं, अगर जेई में शक का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये देख लो, वहां पे ऑप्शन ए भी होगी कि इसने इसको भी उड़ा दिया और इसको भी उड़ा दिया। ये यहाँ पे ओ एच कर दिया, यहाँ पे एच कर दिया, ठीक है, ये होगा, ठीक है, क्लियर। NO2 को NH2 में, ठीक है, यानी कि नाइट्रो बेंजीन एनिलीन बनानी है, बेंजीन से एनिलीन बनानी, नाइट्रेशन फिर हाइड्रोजन प्लेटिनम प्लेटियम टिन HCl, सारा कुछ कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। प्लेटिनम कुछ भी कैटलिस्ट यूज करा हुआ, ठीक है। रिंग में जल्दी रिएक्शन नहीं जाते, एजाइड से अमीन बनाना हुआ, ठीक है। इसी के साथ रिडक्शन आपकी मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो गई है, और कोई रिडक्शन बचती नहीं है। थैंक यू।